आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई इंडियंस को अपना अंतिम लीग मैच रविवार को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जाना है। इस मैच को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस पूरी तरह से तैयार हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला इस सीजन में कुछ खास कमाल नहीं कर सका है। रोहित शर्मा बल्ले के तौर पर नाकाम तो रहे, लेकिन अहम मैच से पहले उनकी फॉर्म को हासिल करने की पूरी उम्मीद है। एविन लुइस ने टीम को कई मौकों पर सूर्य कुमार यादव के साथ बेहतरीन शुरुआत दिलाई। मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का प्रदर्शन इस सीजन में कुछ अच्छा कुछ बुरा जैसा गुजरा है। पोलार्ड को बाद में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन पिछले मैच में पोलार्ड की शानदार पारी ने मुंबई को रोमांचक जीत दिलाई थी। हार्दिक पंड्या इस टीम के सबसे अहम गेंदबाजों में शुमार हुए, जो बल्लेबाजी में भी अच्छे हाथ दिखा रहे हैं। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पंड्या पिछले कुछ सीजन की तरह इस सीजन में भी टीम के उपयोगी बल्लेबाज और उपयोगी गेंदबाज बने रहे हैं।